पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर बहुत चिंतित है। जिस प्रकार से बात करते हैं, इस बार बालकों खास संक्रमित हो रहे हैं, तो हमारे साथ गुजरात आयुर्वेद विकास बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हसमुख भाई सोनी हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि जिस प्रकार से इस बार तीसरी लहर में बालक भोग बन रहे हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में कोई खास उल्लेख है? सही सवाल किया है आपने हितेंद्र भाई। अभी पूरे देश और पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना का तीजा कहर चल रहा है, उस तरह से खास करके जो नागरिकों के अंदर भी एक चिंता का माहौल हुआ है। आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद के अंदर भाव प्रकाश करके जो ग्रंथ है, उसके अंदर इस कोरोना बीमारी की तरह जिसके जिसके सिम्टम्स है, उसी तरह के सिम्टम्स के उसके अंदर भी ऑलरेडी उल्लेख किया गया है। खास करके देखना जाए तो भाव प्रकाश ग्रंथ में वात कपज ज्वर की जो उल्लेख मिल रहा है, वो देखने जाए तो कोरोना के और ओमिक्रॉन के सिम्टम्स से मिलता हुआ सिम्टम्स इसमें मिल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पहली लहर भी आई कोरोना की, तो इसमें भी आयुर्वेद के हिसाब से काफ़ी सारी रिकवरी करने में वो हमें मदद रूप हुआ। बल्कि मैं तो 100% कहना चाहूँगा कि पहली और दूसरी जो लहर थी, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से ही हमने बहुत अच्छी तरीके से ये रिकवरी हम कर पाए। आपने सुना भी होगा कि सिविल हॉस्पिटल और वीएस हॉस्पिटल में भी हमारे आयुर्वेद के जो तज्ज्ञ थे, वो हमारे बाकी डॉक्टर्स के साथ में मिलकर और किस तरह से जल्दी कोरोना को रिकवर कर सके, वैसा हमारा पूरा प्रयास रहा और उसके हमको अच्छे फलश्रुति भी मिली। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन में बच्चों के लिए भी अभी मतलब कष्टदायक है, तो वैसी स्थिति में सबसे पहली बात आयुर्वेद में जो कही गई है वो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। तो आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी बात है कि पहले से ही जब बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से ही जब पुष्य नक्षत्र होता है, तो 1 साल से 12 साल का जो बच्चा होता है, उसको पुष्य नक्षत्र के अंदर उसको सुवर्ण प्राशन दिया जाता है कि जो इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद रूप रहता है। उसी तरीके से हम देखने जाए तो एक बाल चातुर्भद्र चूर्ण करके भी है कि जो बाल चातुर्भद्र चूर्ण देने से भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में गर्भ संस्कार का भी एक अच्छा किया गया, तो हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बने और बाद में वो बीमार हो और फिर उसको दवाई की ज़रूरत हो। इसको जैसे मैंने बताया कि बाल चातुर्भद्र चूर्ण है तो अच्छा है, उसको च्यवनप्राश भी देना चाहिए। जो आंवला का प्रयोग है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो और बड़ों के लिए जो अपने देख रहे हैं कि मतलब जो संशमनी वटी है, उसका भी अच्छा प्रयोग अभी हो रहा है कि जो एंटीवायरल भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारी जो ये गड़ो है, गुड़ूची है, इसका आप प्रयोग करोगे तो एंटीवायरल में, अगर बाकी के लोगों के पास में तो कोई प्रयोग है या नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के पास में गुड़ूची का भी बहुत अच्छा प्रयोग है। संशमनी वटी लेने से भी आपकी इम्यूनिटी वो बूस्टअप हो पाएगी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अभी कोरोना का संक्रमण का भोग बने, पर कोरोना का संक्रमण का भोग न बने, उसके लिए उसको कौन से मंत्र करना चाहिए? ऐसे पहले इस बात पे कुछ विवाद हुआ था कि जब आयुर्वेद ने कोई मंत्र की बात कही तो काफ़ी लोगों ने ये बोलना चाहा था कि नहीं, कोई मंत्र से तो कोई बीमारी मिटती होगी। लेकिन मैं नागरिकों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको आपका आत्मबल बढ़ाना है तो आप एक मंत्र चिकित्सा भी एक अच्छा प्रयोग है। और मंत्र चिकित्सा का मतलब हम ये नहीं करते हैं, जैसे हिंदू धर्म है तो इसमें तुम गीता का पाठ कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र मंत्र कर सकते हो। जैसे मुस्लिम समाज में से है तो कुरान में भी काफ़ी अच्छी आयतें हैं कि जो भी उसको आत्मबल बढ़ा सकती हैं। क्रिश्चियन समाज है तो इसके अंदर भी बाइबल में भी एक अच्छे पाठ किए गए, तो इससे भी आपका आत्मबल बढ़ेगा। तो मतलब आपको जो भी धर्म में आपको पूरा विश्वास है, उसके मंत्र या उसके जो अंदर पाठ दिए हुए, उसके अंतर्गत भी आपका आत्मबल बढ़ा सकते हो और आपको इम्यूनिटी और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में प्रयोग अच्छा काम करेगा। डॉक्टर साहब, भूतकाल में इस प्रकार के कोई रोगों का कोई उल्लेख आयुर्वेदिक में है? या आयुर्वेद के अंदर जो मैंने बताया वात कफज ज्वर,
जो भाव प्रकाश के अंदर है और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख है। खास करके जो जन पदोध्वंस करके जो पहले था, जन पदोध्वंस का मतलब ही था कि बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर बीमारियां फैलती थी और बड़े पैमाने पे लोगों का मृत्यु होता था। तो ये जिस तरह से कोरोना प्रकार की जो वायरस की बीमारियां थी वो पहले भी जन पदोध्वंस के रूप में थी और आयुर्वेद में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट बताया कि आत्मबल बढ़ाने के लिए विष्णु मंत्र करना चाहिए, शस्त्र मंत्र करना चाहिए और बढ़ सकते हैं, और जो आयुर्वेद में जिस प्रकार से दवाइयाँ बताई अगर उसका नियमित प्रयोग करना किया जाए, सेवन किया जाए तो चौक्स आप कोरोना से बच सकते हो।